फाइनली हम जो है आज एक लैपटॉप अनबॉक्स करने वाला है जो कि है एचपी का CS2111TX जो कि पवेलियन सीरीज का काफी अच्छा एक मॉडल है जो कि आता है i5 8th जनरेशन प्रोसेसर के साथ 8GB रैम 1TB हार्ड डिस्क 256 SSD जिसके अंदर आपको 2GB एनवीडिया ग्राफिक्स मिल जाता है। चलिए ज्यादा टाइम न गवाते हुए अपन ये जो लैपटॉप है इसे अनबॉक्स करते हैं। सो यह है एचपी का CS2111TX i5 8th जनरेशन प्रोसेसर के साथ 8GB रैम 1TB हार्ड डिस्क विद 256 SSD 15.6 inches स्क्रीन रेशो जो कि IPS डिस्प्ले के साथ आता है। MRP जो है 77,668 अप्रॉक्स। अगर प्राइस की बात करूँ तो ये आपको लगभग 65-68,000 के आसपास मार्केट में मिल जाएगा। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। फाइनली हमने कट कर दिया है, देखते हैं अभी इसका लुकअप कैसे दिखता है। काफ़ी अच्छा फील आ रहा है अनबॉक्स करने में। पैकिंग भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। सो लेट्स ओपन इट। हाथ में पकड़ के ही एकदम बढ़िया फील हो रहा है। फिनिशिंग तो काफ़ी प्रीमियम दिख रही है। इसे अभी फ़िलहाल साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या है। कुछ प्रोटेक्टिंग केस है। राइट, ओ चार्जर अडेप्टर। यहाँ पे चार्जर अडेप्टर जो है आपको HP की ओर से मिलता है जो कि अप्रॉक्स 45 मिनट्स में 50% तक का बैटरी जो है चार्ज कर लेता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा देखते हैं क्या मिलता है। यह ओ एक पावर कॉर्ड, मैनुअल जिसके अंदर की बेसिक्स डिटेल्स दी हुई है, ऑन कैसे करना है ऑफ कैसे करना है। अगर आप नए हैं तो एक बार मैनुअल ज़रूर पढ़ लेना जिसमें कि पूरी डिटेल्स होती है ताकि आप जो है लैपटॉप बेहतर तरीके से ऑन कर सकें। चलिए इसे ओपन करते हैं। जहाँ तक फ्रंट व्यू की बात है काफ़ी बढ़िया व्यू दिखता है आपको इस लैपटॉप में जो कि टच स्क्रीन है। BNO ऑडियो के साथ आपको ये लैपटॉप मिल रहा है। NVIDIA ग्राफिक्स, यहाँ पे आपको इसके अंदर बैकलाइट कीबोर्ड ऑप्शन भी मिल जाता है। जहाँ तक साइड व्यू और अदर पोर्ट्स की बात करूँ तो इसमें आपको USB 3.0 के 2 जैक मिल जाते हैं और एक पावर अडेप्टर के लिए स्लॉट मिल जाता है। नीचे से हीट वेंटिलेशन के लिए जगह है और साइड में एक HDMI पोर्ट प्लस RJ45 और C-टाइप USB सपोर्ट मिलता है, प्लस एक RJ जो कि आपका ऑप्टिकल ड्राइव का पोर्ट होता है। उसके अलावा आपको इसके अंदर जो है बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है टोटली। अगर आप देख सके तो यहाँ पे आपको बैकलाइट कीबोर्ड का ऑप्शन भी है जहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इसके अंदर प्रीलोडेड आएगा लाइफ टाइम के लिए। BNO ऑडियो के साथ ये सिस्टम आपको मिल जाता है। ज़्यादा समय न लेते हुए इसे शुरू करते। सो फाइनल लैपटॉप जो है शुरू हो चुका है। अपने को जो है इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स करना है जैसे कि कंट्री सेलेक्ट करना है इंडिया यहाँ से, फिर कीबोर्ड सेलेक्ट करना है जो कि आप इसके अंदर वॉइस कमांड से भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश इंडिया, स्किप करना है। अगर आपको एडिशनल कीबोर्ड लेआउट ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी पूछेगा, अगर आप चाहे तो नेटवर्क कनेक्टिविटी भी दे सकते हैं। अदर सेटिंग्स को ओके कीजिए। अभी फ़िलहाल तो मेरे यहाँ पे नेटवर्क्स नहीं तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। सो अभी ये रिस्टार्ट होगा। जस्ट ये होगा अभी पूरा सेटअप के साथ, अभी ये रिस्टार्ट हो रहा है। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लैपटॉप है, अगर आपको कोई भी लैपटॉप अनबॉक्स करना है तो जस्ट कमेंट कीजिए। चलिए ये शुरू हो चुका है। विंडोज 10 लाइसेंस एग्रीमेंट है यहाँ पे, इसे हम
एक्सपेक्ट करता है लैपटॉप को नाम देते हैं चलिए HP। ओके, पासवर्ड रिक्वायरमेंट नेक्स्ट, मोर एक्सेस दे देते हैं पोर्टाना के लिए, प्राइवेसी सेटिंग्स, और ये फाइनली थोड़ी बहुत सेटिंग करने के बाद हमारा जो लैपटॉप है वो रेडी टू यूज़ है। चलिए इसके कुछ बेसिक्स डेस्कटॉप्स आइकॉन जो है ला लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाके हम जो है डेस्कटॉप का माई कंप्यूटर्स नेटवर्क सेटिंग ये जो आइकॉन्स है ऊपर ला लेते हैं। डेस्कटॉप सेटिंग्स, डेस्कटॉप आइकॉन्स, यहाँ से इसे बाहर ले लेते हैं ताकि हमें आसानी हो एक्सेस करने में। ओके, तो आइकॉन्स जो है वो आ चुके हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी डिटेल्स चेक कर लेते हैं जिसमें कि हमें सिस्टम डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है विंडोज़ होम सिंगल लैंग्वेज है i5 8th जनरेशन प्रोसेसर के साथ। टच स्क्रीन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सभी जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट सा इसका टच है, इजीली एक्सेस हो जाता है। इसके अंदर आपको 1 TB हार्ड ड्राइव प्लस 256 SSD दिख रही होंगी। SSD की वजह से इसका बूटिंग परफॉर्मेंस जो है काफ़ी फास्ट हो जाता है। वॉल्यूम विदिन 7 सेकेंड ये लैपटॉप जो है बूट हो जाता है SSD की वजह से। बैकलाइट कीबोर्ड भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, एकदम क्लियर जो है एक एक लेटर इसका दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसके अंदर मिल जाता है आपको, होम एंड स्टूडेंट देखिए। इसके अलावा आपको जो है इसमें USB-C टाइप सपोर्ट मिलता है। साइड में जो है आपको इसका एक हार्ड डिस्क प्रोटेक्टिंग सिस्टम है जो कि झटका लगने पर एक्टिवेट हो जाता है, जो कि आपका डेटा जो है सिक्योर्ड करके रखता है, आपका डेटा जो है इसके अंदर करप्ट नहीं होता है। रिफ्रेश रेट भी काफ़ी अच्छा है डिस्प्ले का। लगभग स्टार्ट करते ही इंस्टॉलेशन होने तक ही इसका बैटरी जो है 90% तक चार्ज हो चुका है। फाइनली गाइस, हमने जो है इस लैपटॉप को अनबॉक्स कर दिया है। तो जहां तक लैपटॉप की बात करूं मैं, तो मुझे काफी अच्छा इसका लुक और परफॉर्मेंस लगा। जो कि इसके अंदर आपको बेसिक क्लॉक स्पीड 2 GHz मिल जाती है, जो कि 3.4 GHz तक बूस्टअप हो जाता है, जो कि काफी अच्छा फीचर मुझे इसका लगा। डिजाइन और लुक के मामले में तो A1 ये लैपटॉप है ही, बट प्राइस और फीचर में भी एक नंबर है। जो कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और इसी तरीके के वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं, जो कि अपने पास बहुत सारे मॉडल्स तो दिख ही रहे हैं, अगर आपको कोई भी मॉडल्स अगर अनबॉक्स करना है आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में कहिए, मैं आपके लिए वो लैपटॉप जो है अनबॉक्स करूंगा। सो गुड नाइट गाइज, आपका ख्याल रखिए, चलिए फिर से मिलते हैं।